गोलाघाट जनपद में दिन दहाड़े दबंगों द्वारा एक व्यक्ति के मकान के ताले तोड़कर अपने ताले डाल दिए जाने और परिवार को डराने धमकाने के साथ साथ महिलाओं से भी मारपीट, गाली गलौज एवं छेड़छाड़ किए जाने की दुस्साहसिक घटना सामने आई है। पूरी घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। मामला थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम रुस्तमपुर तिगरी का है। इस क्षेत्र के निवासी बब्बन पुत्र लल्लू ने परिवार के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके मकान को गांव के ही फुरकान, रिजवान, एहसान, छिद्दा, गुफरान आदि किराए पर लेकर कब्जा करने की फिराक में थे, इसलिए उन्हें उसके द्वारा मकान देने से इनकार कर दिया गया। 3 जुलाई को रात्रि के समय फुरकान, रिजवान, एहसान, गुफरान अपने साथ गाँव के दबंग लोगों मुतुर्जा, गोसे, शहनवाज, नाजिम, मुस्तकिम, जुल्फिकार, इंतखाब अहमद, रजा, गजराम एवं करण सिंह को साथ लेकर आए और मकान में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया और मकान को उन्हें किराए पर देने का कथित दबाव बनाया, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय थाना पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि गत 3 अगस्त को दोपहर के समय यह सभी लोग उसके मकान पर दोबारा आए, मकान का ताला तोड़कर घर की महिलाओं के साथ गंदी गंदी गालियां देकर उनके कपड़े फाड़े तथा मकान पर अपना ताला लगा दिया और धमकी देते हुए फरार हो गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मुरादाबाद पुलिस द्वारा ट्वीट किया गया कि इस प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। वायरल वीडियो को जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी उपलब्ध कराया गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दबंग दिन दहाड़े मकान का ताला किस तरह तोड़ रहे हैं। हैरत की बात यह भी है कि जिस मकान का दबंगों द्वारा दिन दहाड़े ताले तोड़कर अपने ताले डाले गए हैं, इस मकान पर कब्जा न्यायालय द्वारा पीड़ित परिवार के पक्ष में दिया गया था, इसके बावजूद भी पीड़ित परिवार को रिपोर्ट के लिए दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सोमवार को पीड़ित परिवार द्वारा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र पेश करने के साथ साथ वायरल वीडियो भी उपलब्ध कराए गए हैं। SSP द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद वहाँ मौजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीड़ित परिवार के मुखिया बब्बन ने बताया कि जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बन है सर। बब्बन जी, आप कहाँ से आए? मैं ग्राम रुस्तमपुर तिरी का रहने वाला हूँ। क्या शिकायत है? शिकायत यह है सर मेरी, क्या मेरा मकान है दादेलाई, ये मेरे दादेलाई मकान पे क्या करूँगा, मेरे भाइयों ने मेरे नाम इसकी रजिस्ट्री करा रखी है जी। मेरे मोहल्ले के कुछ लोग, दमंग लोग, मेरे मकान में सा जबरियत घुसना चाहते थे और मैंने उन कोर्ट में उसके वो भी करा, घुस गए और ताले तोड़ के मेरे मकान के अंदर घुस गए हैं और उसी में एक वीडियो वायरल हुई है जी, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। कौन लोग हैं वो? वे दर्जनों लोग हैं सर, इसमें मूर्तियां हैं और जिला पंचायत मूर्तियां, वो गजराम सिंह हैं, करण सिंह हैं, मुस्तकीम हैं और गोसे हैं, शाहनवाज हैं, फुरकान हैं, रिजवान हैं और गुफरान हैं। आपने कुछ शिकायत की इनकी? जी, मैंने थाना भोजपुर में जाके इनकी शिकायत की तो उन्होंने कहा, क्या बोले, हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, हम इतने बोले 10 थानों को भी बुला लोगे मैं जाओगे तो तुम्हारी कहीं नहीं सुनी जा सकती, हमारे इतने लंबे हाथ हैं, क्या तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम्हारा कहीं भी चले जाओ तुम्हारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आज किससे मिले आप? आज हम कप्तान साहब से मिले और DM साहब से मिले। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब, इसमें मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए।